हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त प्यारे बच्चे मैं आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ना एक शब्द दे रहा हूं और उससे अनेक अंग्रेजी बोल सकते हो मतलब एक अंग्रेजी एक हिंदी और चार पांच अंग्रेजी इससे पता क्या होगा आप जब अंग्रेजी बोलोगे ना तो अटकोगे नहीं फंसोगे नहीं यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ एडिकेशन वाइल्ड स्पीकिंग इंग्लिश वाइल्ड राइटिंग इंग्लिश यू आर एबल टू स्पीक एनी Else, कुछ भी आप बोल पाओगे आसानी से विदाउट एनी हर्डल विदाउट एनी ऑब्स्टिकल यू कैन स्पीक इजली फ्लुएंटली विद्प ऑफ वर्ड तो मेरे साथ बोलने का प्रयास करो मेरे साथ लिख लो कॉपी कलम निकालो लिखो तब ना काम आएगा हमने बोला कोई बात नहीं हमने बोला कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं ने तो कोई बात नहीं नेभर माइंड इतना सा काम चल गया नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके okay यार इट्स ओके okay, कोई बात नहीं नेवर माइंड इट्स ओके इट्स ऑल राइट यार इट्स ऑल राइट इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं इट्स ऑल राइट नो इशू अरे नो इशू यार कोई बात नहीं नो इशू नो इशू नो मैटर यार नो no मैटर कोई बात नहीं इट्स मैटर इट मैटर इट डजेंट मैटर नो मैटर नो इशू इट्स ऑल राइट इट्स ओके नेवर माइंड कोई बात नहीं है ना कितने मजे की बात है ना कोई बात नहीं बोलना हो तो आप पांच तरह से छह तरह से अंग्रेजी बोल सकते हो अब बोलना मेरे साथ जरा एक बार कोई बात नहीं नेवर माइंड इट्स ओके इट्स ऑल राइट नो इश्यू नो मैटर इट डजेंट मैटर बोलोगे ना अगला सब देखो हंसना अब तुम हंस रहे हो हंसना का चार अंग्रेजी क्योंकि कई कि तरह के लोग हंसते हैं ना पहला है लाफ आई एम लाफिंग यू आर लाफिंग तो लाफिंग मतलब हंसना लेकिन सिंपर कह रहा है तो सिंपर का मतलब बनावटी हंसी हंस नहीं रहा है मतलब बनावटी हंसी है हंस नहीं रहा है बनावटी पन डुप्लीकेट हंसी है तो डुप्लीकेट हंसी को सिंपल कहते हैं अब गिगल कर रहा है जैसे छोटे बच्चे नहीं हंसते ही तो सो गिगल कहते हैं तो गिगल का मतलब होता है ही 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 करके हंसना छोटे बच्चे नहीं ऐसेते हैं ही हंसना उसको बोलते हैं गिगल करना तो गिगल का मतलब ही ही करके हंसना है ना अब हंसना का चुक्कल भी होता है चुक्कल का मतलब मुंह बंद अब कुछ लोग देखो घर में गांव घर में महिलाएं मुंह बंद हंसते हैं तो मुंह बंद करके हंसने को क्या बोलते हैं चुक्कल तो चुक्कल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना बोलो मेरे साथ हंसना का लाफ सिंपल बनावटी हंसी गिगल ही हंसना चुक्कल मुंह बंद करके हंसना याद हुआ अगला वर्ड देखो सोना अब देखो सोना सोना के लिए यहां जो वर्ड है सोना के लिए डोज ऑफ झपकी डोज ऑफ झपकी लेना अब आंख बंद करके झपकी लिया इसको डोज ऑफ बोलते हैं तो डोज ऑफ मतलब झपकी लेना कहीं बैठे हैं आंखों में नींद सवार है झपकी ले लिया डोज ऑफ स्लीपी फील कर स्लिप निद्रालू अब आंखें भारी भारी है स्लीपी हो गए निद्रालू निद्रा में स्लीपी देखो सोना वर्ड तो एक ही है हजार वर्ड से उसको आप एक्सप्लेन करोगे तब ना आपका पर्सनालिटी बढ़ेगा अगर देखो ना स्लिपी निद्रालू स्लंबर घोड़े बेच कर सोना अब थोड़ा ही घोड़ा बेचने गया है मतलब कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ बिल्कुल बस सो गया सो सो गया उसको बोलते हैं स्लंबर अगला वर्ड है स्नोर खराटे लेना स्नोर खर्राटे लेना नहीं देख तो गांव में उसको सो रहा है पेट फूल रहा है नाक से आवाज निकल रहा है खर्र खर खर्र खर, खर तो उसको स्नोर बोलते हैं खर्राटे लेके बोलने सोने को स्नोर बोलते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ अगला और देखो एक शब्द हिंदी का और अनेक शब्द अंग्रेजी का तब मजा आएगा अंग्रेजी बोलने में और तब मजा आएगा अंग्रेजी समझने में और लिखने में ऐसे नहीं आनंद तो तब न है जब हजार बार तेरे पास पहले से है और फिर हमको बोलना अंग्रेजी तब देखो कितना मजा है आप चाहते हो अंग्रेजी बोलना मैं चाहता हूँ बुलवाना आप चाहते हो सीखना मैं चाहता हूँ सिखाना जब दोनों मिलकर चाहेंगे तब ना अंग्रेजी आसान हो जाएगा तो देखो ना मेरे साथ हमने कहा लिख लीजिए आप भी लिख लीजिए कॉपी कलम निकालिए और लिख लीजिए लिख लीजिए क्या कहा टेक डाउन टेक डाउन दिस मैटर इस मैटर को लिख लीजिए टेक डाउन दिस एप्लीकेशन जो डाउन जोड़ कर लिख लीजिए जो डाउन जोड़ कर लिख लीजिए नोट डाउन नोट कर लीजिए नोट डाउन पुट डाउन राइट डाउन अब सब में तो डाउन 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 पुट डाउन जोट डाउन राइट डाउन टेक डाउन पुट डाउन याद हुआ तो बोलो मेरे साथ लिख लीजिए टेक डाउन जो डाउन नोट डाउन उन राइट डाउन ये सबका मतलब है लिख लीजिए मैं तो कहता हूं कि दिल्ली आ जाइए अब दिल्ली आ करके पढ़ लीजिए बढ़िया से दिल्ली अब दूर नहीं है मेरे से फेस टू फेस पढ़ लीजिए अंग्रेजी आ जाएगा अगला कॉन्सेप्ट देखिए पांच पक्का अब पक्का बोलना है तुमको पक्का पक्का पक्की खबर है भाई ये तो खबर बिल्कुल पक्की है पक्की खबर है ऑथेंटिक न्यूज है पक्की खबर ऑथेंटिक न्यूज खूटा गाड़ दिया एकदम पक्की खबर है ऑथेंटिक न्यूज़ है, आउट एंड आउट बैक बाइटर बैक बाइटर कहते हैं चुगल खोर को लेकिन पक्का के लिए क्या बोला आउट एंड आउट बैक बाइटर बैक पीछे पीछे से बोलता है बैक बाइटर है चुगली करता है चुगलखोर है शिकायत करता है चुगल खोर को हम कहते हैं आउट एंड आउट बैक बाइटर आउट एंड आउट बैक बाइटर पक्का चुगलखोर आउट एंड आउट, आउट बैक बाइटर पक्का चुगलखोर फास्ट फ्रेंड पक्का दोस्त है भाई फास्ट फ्रेंड है मेरा पक्का दोस्त पक्का वाला दोस्त है पक्का प्रूफ। प्रूफ सबूत है पक्का सबूत है सर्टिफाइड प्रूफ है सर्टिफाइड प्रूफ पक्का सबूत यानी सबूत कैसा है सर्टिफाइड है फास्ट कलर भाई ये कलर छूटेगा नहीं ये फास्ट कलर है रंग कैसा है फास्ट कलर यानी पक्का रंग है रंग बिल्कुल फास्ट है पक्का कलर है पक्का कलर के लिए हम बोलते हैं फास्ट कलर इस तरह से मैं कहता हूं आप पढ़ोगे ना तो अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा मेरे दोस्त जब भी आप अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिले इस वीडियो को दोबारा देखो तिबारा देखो इसके साथ साथ आप पीछे जाइए वीडियो में सर्च करिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए और क्या क्या टिप्स दिए हुए हैं उसको पढ़िए अगला देखो जीवन अब जीवन क्या है आपको बोलना है शांति प्रिय जीवन जीना चाहता हूं आई वॉन्ट टू लिव पीस लविंग लाइफ तो पीस लविंग लाइफ शांति प्रिय जीवन पीस लविंग लाइफ यानी कैसा जीवन है शांति प्रिय जीवन है आपको जीना रिलीजियस लाइफ धार्मिक जीवन यानी आपका जीवन धार्मिक होना चाहिए शायद कैसा धार्मिक रिलीजियस लाइफ यानी जीवन कैसा हो रिलीजियस हो धार्मिक हो यानी धार्मिक जीवन को रिलीजियस लाइफ कहते हैं है, है ना कोजी लाइफ कोजी कहते हैं आरामदायक को लाइफ जोड़ दिया आरामदायक कोजी लाइफ जीवन यानी आरामदायक जीवन कोजी लाइफ लक्ष कोजी आराम देता है लक्ष है ना तो आरामदायक जीवन कोजी लाइफ को हम लोग बोलते हैं आराम जीवन अगला वर्ड है हेक्टिक लाइफ भाग दौड़ से भरा जीवन हेक्टिक नहीं बोलते यार बड़ा हेक्टिक है मतलब बड़ा ही जीवन जो है ना अस्त व्यस्त है हेक्टिक लाइफ है भाग दौड़ से भरा जीवन है हेक्टिक लाइफ है आप बोलते हो ऑनरेबल लाइफ सम्माननीय जीवन ऑनरेबल लाइफ सम्मान से भरा जीवन देख रहे हो कितना अच्छा है यानी एक वर्ड है और एक शब्द अगर आप एक वर्ड से जानोगे तो पर्सनालिटी कम ना होगा समय पर याद नहीं ना आएगा अगर आप एक वर्ड के चार पांच मिनट जानोगे तो सबना याद आएगा बोलने में जब घुमा घुमा के बार बार टंग पे फिट रहेगा बार बार तरह तरह के वर्ड बोलोगे तो बोलने में कितना मजा आएगा मेरे दोस्त तो आप इस तरह से बोलकर देखो अंग्रेजी आपका लॉलीपॉप बन जाएगा आसान बन जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आप जैसे चाहोगे वैसे बोलोगे अंग्रेजी बस एक बार इस तरह से पढ़ने का प्रयास करें और इसके साथ साथ सारे यूट्यूब पर जितना हमने दिया है वीडियो आराम से बैठ करके कॉपी कलम निकाल करके उस पर लिख लो और नोट बना लो अंग्रेजी मुझे किन है आपको बोलना आ जाएगा बिना सिखाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं सिखा कर छोड़ूंगा और आप इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करो और साथ ही साथ दिल्ली आ जाओ अब दिल्ली दूर नहीं है बहुत नज़दीक हो गया है आइए और बैठ कर पढ़िए एक बार एक बार बढ़िया से कोर्स करने की जरूरत अगर चाहते हो तो कर लो अगर नहीं दिल्ली आ सकते घर बैठे पढ़ लो अब तो डीएसएल का ऐप बन गया है ऐप डाउनलोड करो विस्तृत क्लास करो डिटेल में घर बैठ के पढ़ो इसके साथ साथ स्पोकन क्लास भी दे रहा हूं वह भी पढ़ो और इस तरह से, से शेयर करो हर एंगल से पढ़ने का प्रयास करो थैंक यू वेरी मच